तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्स विद अमित पाठक में। जी हां, 10वीं 12वीं के एग्जाम 2022 के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या रद्द होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं? जी हां, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड के पेपर हो, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है हैशटैग कैंसल बोर्ड परीक्षा। तो क्या यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं की परीक्षा हुई या सीबीएसई बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड की परीक्षा आने वाले समय में रद्द हो जाएगी? इसके बारे में एक अपडेट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, ये जानकारी पत्रिका न्यूज पे आपको मिल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है 10th 12th एग्जाम 2022 क्या रद्द होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है हैशटैग कैंसल बोर्ड परीक्षा। तो दोस्तों आपको बता दें, 10वीं 12वीं के एग्जाम 2022 को लेकर एक बड़ा अपडेट है। देश में कोरोना वायरस के केस दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फिर से सवाल खड़ा होने लगा है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर कक्षा के छात्र और शिक्षक तनाव में गुजर रहे हैं। सामान्य तौर पर जनवरी माह में छात्र प्रश्न बैंक हुआ, प्रीलिम्स हुआ या मॉक टेस्ट से पूरी तैयारी करते हैं। इस साल स्टूडेंट इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे। उपलब्ध प्रश्न बैंक भी वही है जो पिछले साल SCERT द्वारा अपलोड किया गया था, जहां 2021 में बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी तो छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के फॉर्मूले पर अंक दिए गए थे। वहीं इस साल राज्य बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एग्जाम ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। हालांकि स्कूल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि छात्र अधिक से अधिक मॉक टेस्ट ऑनलाइन हल करें। आपको बता दें, इस बीच COVID-19 मामलों में वृद्धि हो रही है। CBSE हुआ, ICSE हुआ, इस सभी राज्य बोर्डों में परीक्षाओं को रद्द करने की मांग तेजी से हो रही है। CBSE और CISE ने अभी तक टर्म 2 परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा भी नहीं की है। CBSE ने अपने पहले बयान में कहा था कि टर्म 2 की परीक्षा तभी आयोजित की जाएगी जब COVID-19 की स्थिति बेहतर होगी। यानी अगर COVID-19 की स्थिति बेहतर होती है तभी एग्जाम हो पाएगा, अन्यथा इसको रद्द करने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, असम, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं को जारी रखने का फैसला किया है। यानी बोर्ड परीक्षा जारी रहेगा ऑफलाइन मोड में। तो अभी तो कोविड संक्रमण के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले मार्च महीने में अगर इसमें कोई भी कमी दिखती है तो ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। अदरवाइज अगर केस ऐसे ही बढ़ता रहा, फरवरी में जिस प्रकार से बताया जा रहा कोरोना अपने पीक पर होगा, लगातार केसेस बढ़ते जाएंगे, ऐसे में अगर मार्च में भी यही हाल रहा तो फिर रद्द होने के चांसेस ज्यादा है। फिलहाल इसमें अभी कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया। COVID-19 महामारी की स्थितियों पर निर्भर करेगा कि एग्जाम होगा या नहीं। तो यूपी बोर्ड में चुनाव के बाद कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि एग्जाम होना चाहिए ऑफलाइन मोड में या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में हैशटैग के बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र ट्विटर पर COVID-19 महामारी स्थितियों के कारण 10वीं 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हैशटैग कैंसल बोर्ड परीक्षा, हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम 2022, हैशटैग बोर्ड एग्जाम जैसे ट्वीट भी पोस्ट किए जा रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।